लड़ाई आते में कानून में तो शुरू हुई, जिन्होंने काले कानून असि कहने। 11 मीटिंगा साड़िया सरकार नाल होईयां, पहलियां 4 मीटिंगों में असी विस्तार में क्लॉज बाई क्लॉज सारे कानूनों ते बहस की। जदों किसे क्लॉज ते बहस होंदी सी उन्हां दे मंत्री लिख लैंदे सी जी इहदे च आ सोच कर लैंदे, दूजी क्लॉज ते होगी इहदे च आ सोच कर लैंदे, तीजी क्लॉज ते होगी इहदे च आ सोच कर लैंदे। इक लंबी लिस्ट सोधां दी तैयार हो गई। ते असी कहा भी जे इन्नियां सोधां करनियां इहनूं वापस लै लो। एक मीटिंग हुई, मीटिंग च होम मिनिस्टर सी, असी भी सी। होम मिनिस्टर अखीर च कहिंदा अमित शाह राज्यपाल जी इन्हां कानूनां च इन्नी सोध करा दिओ, इन्नियां सोधां करा दिओ इहदे विच कुछ ना बचे, एक पासे तैयार हो। मैं क्या क्यों कहिंदा असी इन्ने कानून इन्ने सुधार कीते आ, लेबर लॉज च भी अमेंडमेंट कीतियां ने, उह भी नवें कानून लै आए। फिर कल नूं लेबर वाले आके बह जाणगे। साडा जवाब सी जे इन्ने पाप कीते है तो एक बार गंगा नहा लो, सारे वापस ले लो, क्यों काटो कलेस रखिया। तो वो सरकार जिहड़ी 4 बार बहस करन ते क्रॉस वाली बहस करन ते सारियां सोधां ते मनदी है, उन्होंने पहला नहीं पता भी असीं गलत बनाया। तो अज कहिंदी है लोगों नूं कि किसान जथेबंदियां साडे नाल क्रॉस वाली क्रॉस बहस नहीं करदियां। फिर दूजी गल कहिंदे जी सानूं दसदे नहीं इहदे च की काला, हुण काला भी असीं दस दित्ता होया सी, इह उहनां नूं नहीं दिसदा सानूं तां सारे कानून ही काले दिसदे है। एक तां मोदी जी ने बड़ा प्रचार किया भई असीं तां किसानां दे भले लई कानून बनाए है। असीं पुछिया भी किसे किसान जथेबंदी ने या किसे किसान ने इह भला कानून तों तां कदे मंग कीती है, इह तुहानूं कितों बुखार चढ़िया साडा भला कानून दा, इहनां नूं वापस लो। दूजी गल ओह कहिंदा इक देश इक मंडी बनाती। मैं इत्थे तुहाडे संगरूर वाले कई होर जिले दे सज्जन इस वेले मेरी उम्र दे ने जिहड़े शायद इहदे विच बैठे होण, जदों पंजाब विच असीं यूनियन बनाई उदों खेतीबाड़ी यूनियन होंदी सी, उदों साडे देश ज़ोनल रिस्ट्रिक्शन सी, असीं पंजाब तों बाहर अपना नाम लिखा नहीं सी सकदे। असीं उदों इक जोन तों मोर्चा लाया सी, 1974 दी गल है। 1450 किसानां ने 40-40 दिन जेल कट्टी, 2 किसान शहीद भी होए। असीं उहनां दिनां विच इक हाई कोर्ट विच रिट पार्टी जस्टिस कुलदीप सिंह उदों वकालत करके आए। ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 1976 ਚ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਚ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਜੀ ਚਾਹੇ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਚਾਹੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜੇਸਰ ਚ ਆ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਕਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿੰਨੋ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਚ ਵਿਕਦਾ, ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੇਬ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਚ ਵਿਕਦਾ, ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਕੇਲਾ ਸੰਤਰਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਪਿਆਜ਼ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਚ ਵਿਕਦਾ, ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਝੋਨਾ 700-800-900 ਖਰੀਦ ਕੇ ਵਪਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 1888 ਵੇਚ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਯੂਪੀ ਚੋਂ 1200 ਰੁਪਏ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਪਾਬੰਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨੀ, ਤਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨੱਕ ਬੰਨਿਆ। ਇੱਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਇਹਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਵਿਚੋਲੀਆ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚੋਲੀਏ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੱਸੋ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੰਡੀਕਰਨ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਰਤੀ ਸਾਡੀ ਟਰਾਲੀ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਲਾਉਂਦਾ, ਬੋਰੀਆਂ ਚ ਪਾ ਕੇ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦਿਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਅ 1925 ਹੈ, 1925 ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 1500 ਦੇਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਵਿਚੋਲੀਆ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਜੇ 1925 ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਾਇਆ, 1925 ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਚੋਲੀਆ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ?
उन्हें जड़ी सेवा की जी सर्विस दी सर्विस प्रोवाइडर कमीशन ले लिया बिचौलिए तो तुम ले आ रहे हो अंबानिया अडानिया वे वे कारपोरेट हाउसिस बिचौलिए तौर पर इतने ले आ रहे हो उन्होंने सीईओ उन्होंने मुलाजम वह बिचौलिए का काम करेंगे ये भी कोई दुख नहीं तो असी एक एक गल से इन्होंने भरावो पजाया और मैं थोड़ी जानकारी भी दसा अज सरकार को जथेबंदियों के डेलीगेशन बैठ के गल करने एक भी दलील है नहीं झूठते तक बने असी जो चार बारी बहस कर रहे पांचवी बारी असी पूछे सानू दस दो तुसी की कहना चाहते हो जो नाम बने साडे विचों एक सज्जन ने एस और नो लिख के फाइल मूहे करती सारे ने लिख के फाइल मूहे करती और असी सारे चुप करके बैठ गए एक घंटा असी मौन रखिया भाई सरकार दसे एच गलत की है जो असि कहने जीत की है जो सरकार कहती है सू सा को पले तो पावे सरकार वाले सू बना जरूर है पर सा गल का जवाब कोई नहीं सी देंगे एक घंटा चुप रहे एक बारी एक होर भी बड़ा इंटरेस्टिंग मुद्दा है असि सरकार कहा कि यह कानून बनाने का तुम अधिकार ही नहीं संविधान जी सैवंथ शड्यूल च एक स्टेट लिस्ट है एक यूनियन लिस्ट है एक कंकरेंट लिस्ट है तीन लिस्टा ने जिदे लिखे है कि किथे किथे केड़ी सरकार कानून बना सकती है खेती स्टेट लिस्ट विच 12 नंबर ते दर्ज है इहदा मतलब है राज्यां दा विषय 18 नंबर ते खेती मार्केटिंग दर्ज है और इसे तरह जेड़ा इन्होंने कहा भी असि जी कंकरेंट लिस्ट चो 33 नंबर ते जिहड़ी आइटम दर्ज है उहदे उत्ते कानून बनाया असि क्या भी तो तुम बनाया ही व्यापार वास्ते तो ना ही कानून का व्यापार न संबंधित है ये जे 33 नंबर से भी बनाया उसके शब्द फूड स्टफ लिखे असि फूड स्टफ नहीं पैदा करते फूड ग्रेन पैदा करते असि दाने पैदा करते हैं कणक फूड ग्रेन है आटा फूड स्टफ है और असि आटा नहीं सीधा पैदा करते असि पैदा करते कणक कणक के दाने वह फूड ग्रेन है तुम कानून नहीं बना सकते असी पैडी पैदा करते हैं झोना पैदा करते हैं चावल सीधे नहीं पैदा करते चावल फूड स्टफ है तो जो झोना है वह फूड ग्रेन तुम यह कानून बना नहीं सकते वो फिर नहीं मन एक मीटिंग च मैं 7 पार्लीमेंट में जवाब दिते हुए इस मंत्री के तोमर के वह कढ़ के लै गया एक एक सवाल जो पार्लीमेंट ने जवाब दिता है उसे कहते रहे भैया तुम फलानी तरीक न फलाना एम पी इना नंबर सवाल ओके जवाब च कहा कि खेती स्टेट सब्जेक्ट है इना नंबर सवाल फलाना एम पी इनी तारीख एग्रीकल्चर मार्केटिंग जरा वह स्टेट सब्जेक्ट है 7 दे 7 पढ़ के सुनाए असी व्यापार करने मंडी च जाते असी अपनी फसल बेचन जाने मार्केटिंग नहीं जाने असी व्यापारी नहीं इस करके तुम यह कानून नहीं बना सकते तो जो असि उन्होंने सामने रखिया तो फिर उन्होंने कोई जवाब नहीं आया उठ के दूजे कमरे चले गए सानू कहते चलो देखो जी तुम आपस में बातचीत कर लो मुड़ के 4 घंटे नहीं आए सरकार की स्थिति यह हुई पी है कि थोड़े जेडे जथेबंदियों के आगू ने जो थोड़ा केस पेश करते हैं इन्होंने को जवाब कोई नहीं मैं एक गल तुम सारे की छोर कहनी चाहगा यह लड़ाई अब सिर्फ किसान की लड़ाई नहीं बहुत खुशी की गल है भी पंजाब के आम जनता इस गल समझ चुकी है अज जन अंदोलन बन गया है सारे देश विच ही नहीं सारी दुनिया की इस अंदोलन से अख है सारी दुनिया नूं कोख रही है मेरी तुहानूं बेनती है भाई अगे हाड़ी का समा आ गया एक सरकार भी भरम का ला रही है भी इतों लोग उठ के चले जाएंगे हाड़ी के काम के रुज जाएंगे असी जेडे फैसले किए उन्हों का स्वागत करते हैं कोई पिंडा विचो 10 बंद का जथा जाएगा उन्होंने लोग काम संभालेंगे तो जो उ नवे 10 चले गए फिर वापस आने मेरी तुम्हें बेनती है सरकार मौका असी नहीं देना जदों तक कानून वापस नहीं होंगे उदों तक असी उतो नहीं उठा और जिन्हें तुम पिंडा च बैठे हो जेड़े उत्ते बैठे ने उन्होंने काम संभालने की जिम्मेवारी तुम आप लो और यह तुहाडे भविख का सवाल है तुहाडे बच्चों का सवाल है एक गल होर इस अंदोलन ने नवी जिहड़ी साडे लई दित्ती है
अभी बड़ा बदनाम किया जा रहा है साडे यूथ नूं ते जी नशेड़ी हो गए जितन से अंग्रेजी शुरू होया किसी को कभी खबर नहीं पड़ी कोई फलां जगह कोई मुंडा नशा करके मर गया इहदा मतलब एक टाइम भी साडे बच्चे ने नाता बहुत सारे साडे बच्चे जेल च बैठे ने सरकार ने तरह तरह के केस पाए ने असि सारे बैठे साडे उहनां तों भी संगीन केस साडे उत्ते भी पाए हुए कोई परवाह नहीं असि उहनां दे सारे केस लड़ रहे कोई 45 दी जमानत हो गई सारे केस लड़ांगे पर तुहानू सारयां नू बेनती है इहनां नू हुण नोटिस आउंदे आ उहदी बिल्कुल परवाह ना करो तकड़े होवो इह अंदोलन जितांगे 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 धन्नवाद।